वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज़पेपर और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर इंस्टाग्राम इस पर सच या झूठ का दावा नहीं करता। वीडियो में दिखाई गई फुटेज और फोटोज उदाहरण के तौर पर दिखाई गई है। भारत ऐसा देश जहां देवताओं के प्रति लोगों की आस्था उनके अटूट भक्तिभाव को दर्शाती है। इस देश में भक्तिभाव का होना उतना ही सहज है जितना जीने के लिए हवा, पानी और भोजन का ग्रहण करना। अपने ईश्वर के प्रति आप लोगों की श्रद्धा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज देश में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान है और उन्हें स्थापित करने के लिए अनेकों अनेक मंदिर भी। भारत में अपने भगवान के प्रति लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि विश्व के किसी भी कोने में ईश्वर का प्रतीक क्यों ना हो, भक्तगण उनकी आराधना करने के लिए वहां पहुंच ही जाते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा अनोखा मंदिर भी है जहां आज तक कभी पूजा ही नहीं हुई। यह मंदिर एक ब्रिटिश अफसर के आदेश पर लगभग 118 साल पहले बंद कर दिया गया था और यह मंदिर आज तक बंद ही है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे यह मंदिर अधूरा है, यह मंदिर श्रापित है, यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर की वजह से कई समुद्री जहाजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कहा गया कि इस मंदिर की वजह से कई समुद्री जहाज डूब भी गए। इस मंदिर के एक कारीगर ने इसके उद्घाटन से ठीक एक रात पहले आत्महत्या कर ली थी। इस मंदिर में आज भी रात को घुंघरों की आवाज़ सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरके, आप देख रहे हैं इंस्टा ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही अनोखे मंदिर के बारे में बताऊंगा जहाँ कहा जाता था कि वहाँ की मूर्ति हवा में तैरती थी। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है इस मंदिर के पीछे का रहस्य, तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। परंतु उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल इंस्टा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको भी नई नई जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस बार से। सूर्य देव, जिनके हर दिन का आगमन एक देवता के साक्षात दर्शन कहलाता है। कलयुग में सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हैं, जिनकी पूजा हम उन्हीं के सामने खड़े होकर कर सकते हैं तथा उनकी ऊर्जा को भी महसूस कर सकते हैं। सनातन धर्म के पंच देवों में सूर्य देव को एक अहम स्थान प्राप्त है। ज्योतिष में भी सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा गया है। ये सूर्य देव ही हैं जो नव ग्रह के स्वामी हैं, जो किसी भी ग्रह को बल भी दे सकते हैं तथा उसके प्रकोपों को शांत भी कर सकते हैं। इन्हीं सूर्य देव में आस्था रखने वाले एक राजा नरसिंह ने 13वीं शताब्दी में उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी तथा समुद्र तट के संगम पर एक भव्य मंदिर बनवाया था, जिसे कोणार्क मंदिर नाम दिया गया। आज अपनी भव्यता के कारण ही यह मंदिर देश के 10 चुनिंदा भव्य मंदिरों में शामिल है। क्योंकि यह मंदिर समुद्र तट पर बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम कोणार्क मंदिर पड़ा, क्योंकि कोणार्क दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण और अर्क। कोण से मतलब किनारे से है और अर्क सूर्य से। परंतु समय के साथ धीरे धीरे समुद्र पीछे हटता चला गया और यह मंदिर समुद्र तट से दूर होता चला गया। कोणार्क मंदिर पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित मंदिर है, इसीलिए इसे सूर्य देव के काल्पनिक रथ की तरह ही बनाया गया, जिसे सूर्य देव के 7 रंगों की तरह 7 घड़े खींचते हैं, जिसमें समय चक्र के 24 घंटों की तरह 24 पहिए लगे हैं, यानी कुल मिलाकर 12 जोड़ी, जो वर्ष की 12 ऋतुओं के समान है। और प्रत्येक पहिया सूर्य किरणों की मदद से दिन का एकदम सटीक समय बताते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह मंदिर एक खगोलिक उपकरण है। स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर के प्रत्येक दो पत्थरों के बीच में एक लोहे की प्लेट लगाई गई है, जिसे संतुलित करने के लिए इसके 30 मीटर ऊंचे गुंबद पर एक 52 टन का चुंबक लगाया गया था। इसी चुंबक की वजह से अष्ट धातु से बनी सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती थी। दोस्तों, इस मंदिर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आज भी सूर्य की पहली किरण इसके मुख्य द्वार पर गिरती है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय अष्ट धातु से बनी सूर्य देव की मूर्ति के नाभि में एक हीरा जड़ा था, जिसमें यह किरण परलौकिक होती थी, जिससे इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती थी। कोणार्क मंदिर की भारी दीवारों पर बनी कामुक चित्रों की वजह से भी यह विश्व प्रसिद्ध है। एक ओर जहां इसका 52 टन का चुंबकीय गुंबद इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र था, वहीं दूसरी ओर यह इसके विनाश का कारण भी बना।
एक पुरानी कथा के अनुसार राजा नरसिंह ने इस मंदिर के वास्तुकार को यह सख्त हिदायत दी थी कि यह मंदिर 12 साल में केवल 1200 कारीगरों के द्वारा ही बनाया जाए। परंतु जब आखिरी के दिनों में इस मंदिर के गुंबद के लगाने की बारी आई तो वह इसके वास्तुकार को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब वास्तुकार के ही 12 साल के बेटे ने इस मंदिर के गुंबद को लगाने के लिए एक सुझाव दिया, जिससे इस मंदिर का गुंबद ठीक तरीके से लग गया। परंतु उसके बाद बाकी के कारीगरों में यह भय बैठ गया कि कहीं राजा उनका सर न कलम कर दे, क्योंकि राजा के आदेशानुसार यह मंदिर 1200 कारीगरों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए था। उसके बाद उसी वास्तुकार के 12 साल के बेटे ने उन सब की जान बचाने के लिए इस मंदिर के गुंबद से कूदकर अपनी जान दे दी। और जब यह बात राजा नरसिंह को पता चली तो उसने इस मंदिर को अभिशापित घोषित करके इसमें किसी भी प्रकार की पूजा ना करने का फरमान जारी कर दिया। इसीलिए इसे वर्जन मंदिर भी कहा जाता है। इसी के संदर्भ में एक कहानी और भी मिलती है कि तकरीबन 250 साल बाद जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिनमें से एक मंदिर कोणार्क मंदिर भी था। उस समय के सुल्तान बने अहमद खान तुर्रानी के नेतृत्व में इस मंदिर पर हमला किया गया और इसके 52 टन के चुंबकीय गुंबद को उखाड़ने की नाकाम कोशिश भी की गई। परंतु जब वे इसके गुंबद को उखाड़ने में असमर्थ थे तो उन्होंने इसके गुंबद को दो भागों में तोड़ दिया। इसी टूटे चुंबकीय गुंबद के कारण उस क्षेत्र में चल रहे समुद्री जहाज रहस्यमय तरीकों से गायब होने लगे। ऐसा कहा जाता है जब कोई भी विदेशी जहाज इस मंदिर के पास से होकर गुजरता तो इसके चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण से उसका दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर देता, जिसके परिणाम स्वरूप या तो वो जहाज रास्ता भटक जाता या फिर वो पास के किनारे से जाकर टकरा के डूब जाता, जिससे बचने के लिए विदेशियों ने इसका एक नाम ब्लैक पगोड़ा भी रखा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मंदिर को विदेशी आक्रमण और लुटेरों से बचाने के लिए इस मंदिर को पूरी तरह से बालू रेत में दबा दिया। इसके बाद कोणार्क मंदिर बिल्कुल वीरान हो गया। और जिस मंदिर को ख़त्म करने का इतिहास मुगलों के साथ जुड़ा है, वहीं इस मंदिर को फिर से जीवित करने का इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा। ऐसा कहा जाता है जब अंग्रेज व्यापार के लालच में हिंदुस्तान आए तो उन्हें कहीं से इस मंदिर के बारे में पता चला। अंग्रेजों के द्वारा ही इस मंदिर को बालू रेत से निकाला और इसकी मरम्मत की गई। तब अंग्रेज ये देखकर दंग रह गए कि बालू रेत में दबे इस मंदिर की ऊंचाई 229 फीट है और इस पूरे परिसर की लंबाई 854 फीट और चौड़ाई 540 फीट है। उसके बाद जब अंग्रेजों को इसके चुंबकीय गुंबद के बारे में मालूम चला तो वो इसे उतारकर अपने साथ विदेश ले गए। परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह गुंबद पुर्तगालियों के द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणामस्वरूप यह मंदिर धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा, जिसको बचाने के लिए अंग्रेजों के ही एक अफसर ने इसके गर्भगृह में बालू रेत भरकर इसे बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक ये मंदिर बंद ही है। दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण इतिहास की एक बड़ी घटना है। यह मंदिर अपने अंदर ऐसे ऐसे राज दफन किए बैठा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। आज तक किसी को यह नहीं मालूम चला कि 5 लेयरों में बने इस मंदिर में जोड़ क्यों नहीं नज़र आते हैं। इस मंदिर की भारी दीवारों पर बनी पत्थर की आकृतियाँ इंसानी भाषा से कहीं अधिक आगे हैं। इस मंदिर के संदर्भ में एक कहानी और कही जाती है जो श्री कृष्ण से जुड़ी है, जिसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।